साथी बालिका वर्ग का मैच होगा, पैंथर्स एकेडमी दरभंगा वर्सेज आजाद क्लब मोकामा के बीच मैच होगा। टॉस करा रहे हैं हिमांशु, टॉस विन बाय मोकामा चॉइस कोर्ट। इसी के साथ ही मैच स्टार्ट हो गया है पैंथर्स एकेडमी की तरफ से। पहला अरे अपने टीम के लिए कुछ अंक नहीं अर्जित किए, उधर चली है लंबे हेड के रेडर, लंबे कट के रेडर सामने सात के डिफेंस से जाए का प्रयास हुआ है पैंथर्स एकेडमी दरभंगा। हालांकि पैर नहीं उठा रेडर का, तो बोनस दरभंगा के रेडर हेड पे बहुत प्रतिभा के द्वारा शानदार टैकल, खाता खुला मोकामा का। फिर से चलिए नब्बे बार भी बिल्कुल पैर अंदर था, पैर अगर जो उठता तो बोनस होता। चलिए रेड पर काजल पांच नंबर के खिलाड़ी, और ये क्या दो मार कर रही है। हालांकि हमें भी लगा शायद कि ये दो पॉइंट होगा, डुआ डायरेक्ट आ गया, डुआ डायरेक्ट में आए पर बोनस का प्रयास हुआ है। बहुत सुंदर टैकल यहाँ पे, बहुत ही अच्छा शानदार टैकल, वन पॉइंट पैंथर्स का पॉइंट लाना ही था। चलिए रेड पर काजल पांच नंबर के खिलाड़ी, बोनस ऑफ है काजल के लिए। चलिए रेड पर नव्या राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से रेड लगाती है। डिफेंस में मुकाम आगे रेडर, बहुत सुंदर थाई होल्ड यहाँ पे लेफ्ट कवर से आया। पांच नंबर जर्सी पे रेड करते हुए इतना एक्स्ट्रा टैकल नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा रेडर को आप बिल्कुल अंदर बुलाइए और उसके बाद टैकल कीजिए। फर्स्ट पैंथर्स एकेडमी दरभंगा, पहला टाइम आउट लिया गया है पैंथर्स एकेडमी की तरफ से। कोच में है सुदर्शन, टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया है। तीन नंबर के रेडर आई है रेड करने के लिए मोकामा की तरफ से। बहुत सुंदर थाई होल्ड, शानदार टैकल, बहुत ही बढ़िया मुकाबला होने वाला है। शुरुआती लम्हा है, दो का डिफेंस है, सुपर टैकल ऑन है। काजल चली है रेड पर, आसानी से पॉइंट आ गया है पैंथर्स के खाते में। बता दे पैंथर्स कबड्डी का बहुत सिखाया जाता है। सामने मोकामा के रेडर डिफेंस एकेडमी, बोनस का प्रयास हुआ है, अकेला खिलाड़ी बच गई है खुशी। अभी बोनस का प्रयास,
आगे बोनस प्लस रन है। जी हाँ बिल्कुल, बोनस प्लस पॉइंट, बोनस प्लस पॉइंट। अभी भी दो का डिफेंस कायम है। फिर से चली है काजल रेड पर, बहुत ही बढ़िया रेडर है काजल। हेलो, जो लेबर काम कर रहे थे इस साइड, कहाँ है आप लोग? हेलो, ओ भैया फिर से खुशी। अगला बार बोनस प्लस वन लेके गए थे, अकेला खिलाड़ी बच गए थे, क्या इस बार भी बोनस प्लस वन जाएगा? अरे अकेला खिलाड़ी टैकल कर लिया गया। बोनस पॉइंट मुकाबला है आजाद क्लब मुकाबला, हालोट का दरभंगा खाते में भी है। क्लब मुकामा के वो बहुत ही कितनी समय निकाल गए हम लोग के बीच आए। और ये आप लोग के बता दू जो हमेशा हर साल हमेशा स्पोर्ट के लिए किसी भी स्पोर्ट से हैं तो हमेशा तत्पर रहने वाले हैं राजू झा जी। हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए हमारे खिलाड़ी के, चाहे वो क्रिकेट से हो, कबड्डी से हो, खो खो से हो, वॉलीबॉल से हो, फुटबॉल से हो, बैडमिंटन से हो, जिला लेवल से हो। धन्यवाद, टाइम आउट का मैच स्टार्ट हो गया है। आप अपना कितनी समय निकाल के हम लोग के बीच आए। काजल चलिए फिर से रेड पर, बोनस ऑन है। रनिंग किक लगाने का प्रयास था लेफ्ट कॉर्नर को, इस बार चुक गई। खाली हाथ वापस रेड मुकामा रेड लेके चली है। चलिए रेड पर बहुत सुंदर टैकल है, राइट कवर से लगातार दूसरा टैकल है, लगातार दूसरा बार हाई होल्ड कर रहे हैं। अभी छह का डिफेंस कायम है। काजल चलिए फिर से रेड पर, बोनस ऑन है काजल के लिए। पर बहुत सुंदर टैकल हो चुकी है विभाग के द्वारा। वन पॉइंट मुकामा, फिर से नब्बे आए हैं रेड पर। नब्बे के लिए भी बोनस ऑन है, लंबी हाइट के रेडर है नब्बे। इस बार टारगेट करके राइट कवर को। वन पॉइंट मुकामा। अगला बालक वर्ग कीटो भोजन मधुबनी वर्सेस पैंथर्स एकेडमी दरभंगा। चलिए रेड करने के लिए कुछ ही क्षण में बालक वर्ग में मधुबनी का लाल करेगा कमाल। इसी ग्राउंड में कुछ ही क्षण में मुकाबला राइट कवर से आया मधुबनी वर्सेस दरभंगा, पैंथर्स एकेडमी दरभंगा और मधुबनी के बीच दोनों टीम की तरफ हो जाए। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, फाइनल ही मैच आज ही कराना है। टैकल कर ली गई है दरभंगा की रेडर। वन पॉइंट मुकामा। सेकंड फर्स्ट सुपर टैकल ऑन है, फिर से आई है नबिया रेड पर। सामने दोनों तरफ से टैकल ऑन है नबिया, टीम के डिफेंस में लंबे करके रेडर मुकामा के राइट कॉर्नर पे संभावी है। बहुत ही बढ़िया डिफेंस, सेवन सही है, साथ खेल रही है और यहाँ पे अभी पांच नंबर। अभी पांच नंबर के जर्सी पे पैंथर्स एकेडमी दरभंगा के रेडर रेड पे। चलिए संभावी रेड पर, और हम बता दें कि संभावी दो खिलाड़ी हैं। रेड मुकामा, दो ही खिलाड़ी बच गए हैं कोर्ट पर।
बहुत ही बढ़िया मुकाबला चल रहा है, काटी के टक्कर का मुकाबला हो रहा है, फिर से 90 आई है रेट पर। पॉइंट लेके गए थे, चलिए 86 नंबर के खिलाड़ी, नाम है मनीषा, छोटी हाइट बिल्कुल है लेकिन बहुत ही बढ़िया डिफेंडर है। चलिए 90 रेट पर और इसी साथ आसानी से पॉइंट चला गया। अकेला खिलाड़ी बच गई है मनीषा, रेड करने गई है नव्या, दोनों का दोस्ती बेमिसाल है और यहाँ दोस्ती नहीं कुश्ती चलता है कबड्डी में। आसानी के साथ पॉइंट आ गया। चलिए दरभंगा की तरफ से मनीषा रेड में, चलिए रेड पर इधर से नव्या, सात का पूरा स्क्वाड है, बोनस और है नव्या के लिए, रनिंग बोनस का प्रयास भी हुआ है हालांकि। आइए पांच नंबर के खिलाड़ी काजल रेड पर फिर से, इधर भी सात का डिफेंस है, बोनस ऑन है काजल के लिए भी, काजल के सामने बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर खुशी है और यहाँ पे प्रतिभा से गलती हो गया। फिर से नव्या चली है रेड पर, दोनों तरफ से रेड लगाती है नव्या, राइट और लेफ्ट। टाइम आउट लिया गया है आजाद क्लब की तरफ से, नौसाद कोच हैं, कोचिंग कर रहे हैं अपनी टीम को। फिर से मैच स्टार्ट हो गया है, काजल है सेरेट पर, अगला मैच बोनस ऑन है काजल के लिए, मधुबनी वर्सेस पैंथर्स एकेडमी, क्या रहेंगे बोनस का प्रयास भी हुआ हालांकि। इस मधुबनी के बाद फाइनल मैच खेला जाएगा गर्ल्स का, इसके बाद फाइनल मैच खेला जाएगा। बहुत सुंदर थाई होल्ड इस बार भी राइट कवर से आया, लगातार तीसरा टैकल है राइट कवर से थाई होल्ड का। चलिए रेड पर फिर से काजल, बहुत ही बढ़िया रेड है काजल, लगातार रेड कर रही है पैथर्स एकेडमी के लिए, लगातार पॉइंट निकाल कर रही है। चलिए खुशी रेड पर, खुशी भी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से रेड लगाती है और डिफेंस भी कर लेती है लेफ्ट कॉर्नर से। ऑपरेटर साहब से अनुरोध है कृपया आप लाइट लगवा लें, समय नहीं बचा है, सब जल्दी से जल्दी आठ लाइट लगेगा, कृपया आप लाइट लगवा दें। बोनस ऑफ है, आपको टच पॉइंट लाना पड़ेगा और यहाँ बहुत ही सुंदर टैकल। लो और अब चलिए रेड पर प्रतिभा, छह का डिफेंस है, बोनस ऑन है प्रतिभा के लिए। बहुत सुंदर बैक होल्ड, हमारे दर्शक काफी आनंद उठा रहे हैं, अगला मैच के लिए बिल्कुल तैयार। टाइम आउट दिया
टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया, फिर से आई है काजल हट पर। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन काजल का, काजल के सामने बिल्कुल खुशी है। लेफ्ट कॉर्नर पे टच का दावा कर रही है लेफ्ट कॉर्नर से, बहुत सुंदर पॉइंट। सेगा डिफेंस है, क्या ये रेडर सेफ है या फिर चैकल है, हमारे निर्णायक निर्णय ले रहे हैं। पिच वन पॉइंट मिला है, आप कमेंट करके बताएं कि क्या रेडर सेफ था या फिर पिच वन पॉइंट मिला है जो डिसीजन सही है। चार का डिफेंस है, हालांकि डिसीजन अच्छे दिए जा रहे हैं। स्कोर है, चार का डिफेंस है, सोलह 16-17 का स्कोर है। कांटे के टक्कर का मुकाबला चल रहा है, अंतिम क्षणों में जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। बोनस मिला जी, बिल्कुल सफलतापूर्वक बोनस मिला है, शानदार टाइमलाइन पे बोनस। अंतिम चार मिनट समय से इस मैच का चार का इधर डिफेंस है और पांच नंबर के रेडर आए हैं फिर से रेड करने के लिए। से 90 के ही रेट पर बोनस का प्रयास हुआ है। इस बार राइट कवर को दुआ डायरेक्ट आ गया काजल के लिए, इधर बोनस काजल को टच पॉइंट लाना पड़ेगा। बहुत तगड़ा डायरेक्ट प्रतिभा का, देर आउट वन पॉइंट मोकामा, वही खिलाड़ी रह गया। सामने चार का डिफेंस, चार का डिफेंस है मोकामा के रेडर रेड पे। तीन पॉइंट का बढ़ा मोकामा 20, पैंथर्स एकेडमी 17, 17-20 का स्कोर है। स्कोर मोकामा का 20, पैंथर्स एकेडमी दरभंगा 17। टाइम आउट के बाद फिर से मैच स्टार्ट हो गया है। 10 नंबर के खिलाड़ी आए हैं रेड पर, लास्ट 2 मिनट और ये क्या गलती कर दिया आप, 10 नंबर के दर्शी द्वारा 1 पॉइंट। नब्बे रेड पर चले है फिर से, टाइम पे अलार्म बज जाना, लास्ट वन मिनट बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ पे पॉइंट आया है। 21 मोकामा 18 दरभंगा, को डांस कर दिया गया। वन पॉइंट स्कोर 22-18, 22-18 का स्कोर हो गया है, चार पॉइंट से बढ़त पे आजाद क्लब। सुपर टैकल ऑन है, हालांकि लास्ट चांस के नोट
है संभावित 5 नंबर के खिलाड़ी। आइए 5 नंबर किधर से भी, और यहाँ पे एक खिलाड़ी बाहर चली गई खुशी। वन पॉइंट दरभंगा। इसी के साथ मैच समाप्त, और मैच को जीत लिए हैं, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, हालांकि दोनों तरफ से मुकामा 22 दरभंगा 19 मधुबनी वर्सेस पैथर्स अकेडमी दरभंगा।